हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में मुस्लिम समुदाय के एक समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 19 अगस्त का था। एबीपी न्यूज के पत्रकार ब्रिजेश राजपूत ने एक ट्वीट किया जिसमें यह वीडियो शामिल था। उन्होंने दावा किया कि समारोह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। बीजेपी के नेता संतोष सिंह और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने घटना के वीडियो ट्वीट किए। गौरव भाटिया ने तो यह भी बताया कि उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद और तालिबान के नारे लगाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी इसे रिपोर्ट किया। कैसे किया देखते हैं। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब पाकिस्तान और तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो उसका असर जमीन पर भी दिखता है। उनके देखा देखी कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में जुट जाते हैं। वो कुछ और तो नहीं कर पाते तो तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी ही करने लगते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां मुहर्रम के मौके पर भीड़ में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो गई। उसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के गीता कॉलोनी इलाके में मुहर्रम से एक दिन पहले ताजिया के दौरान भीड़ या हुसैन के नारे लगा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने किसी की जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विवाद पर बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एएनआई से कहा कि उन्होंने घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना था कि ये नारे इसलिए लगाए गए क्योंकि अधिकारियों ने कोविड के कारण समारोह के लिए अनुमति नहीं दी थी। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की बात कई मीडिया आउटलेट्स ने लोगों तक पहुंचाई। इसमें जी न्यूज, न्यूज 18 वायरल्स, पंजाब केसरी एमपी, लाइव हिंदुस्तान, टाइम्स नाउ नवभारत, वन इंडिया हिंदी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, अमर उजाला, एबीपी लाइव, टीवी 9 गुजराती और जनसत्ता भी शामिल हैं। बीजेपी समर्थक प्रोपेगेंडा मीडिया आउटलेट्स और ऑफ इंडिया और क्रिएटली ने भी यही दावा करते हुए इस घटना को रिपोर्ट किया। हम इस घटना के वीडियोस और कथित नारों की सच्चाई की बात करना शुरू करें उससे पहले हम आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया पर मुख्यतः 2 वीडियो चल रहे हैं जो 10 और 16 सेकंड के हैं। ऑल्ट न्यूज को उज्जैन में उस समारोह में मौजूद लोगों से 2 वीडियोस और मिले। इसी दौरान ऑल्ट न्यूज ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के आरोप के बारे में उज्जैन के एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला से बात की। उन्होंने हमें बताया जांच के आधार पर जो वीडियो सामने आए हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि क्या कहा गया है। हमने उनसे वो वीडियोस शेयर करने की दरख्वास्त की जिसके आधार पर पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन हमें पुलिस से वो वीडियोस नहीं मिले। हमें बेहतर क्वालिटी के और लंबे वीडियोस जिस सूत्र से मिले उसने नाम न बताने की शर्त पर ऐसा किया। उन्होंने हमें बताया कि वीडियो में मुहर्रम से एक दिन पहले होने वाला ताजिया समारोह दिख रहा है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं बल्कि काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। अब हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने हमें भेजा था। इसमें शुरुआत में आप हां हुसैन या हुसैन का नारा सुन सकते हैं, जिसके बाद भीड़ के सामने एक दाढ़ी वाला शख्स आता है। उनके आते ही वहां तालियां बजती हैं और फिर काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। इस वीडियो में काजी साहब जिंदाबाद साफ तौर पर सुनाई देता है। बेहतर तरीके से सुनने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। जब वो शख्स यानी काजी साहब चले जाते हैं भीड़ फिर से तालियां बजाती है। आप एक बार ये नारे वाला हिस्सा दोबारा सुने और ध्यान दें कि हर दफा जिंदाबाद से पहले ब अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है जो साहब शब्द में है, न कि पाकिस्तान के ना की। ऑल्ट न्यूज ने उन काजी साहब से भी बात की। उनका पूरा नाम है काजी खलीकुर रहमान। उन्होंने हमें बताया कि ये नारे उन्हीं के स्वागत में लगे थे।
उन्होंने बताया कि वो इन नारों के बाद वहां से चले गए थे और इस घटना के बारे में जो भी कहा जा रहा है उसकी कायदे से जांच की जानी चाहिए। अब आपको ले चलते हैं इस वीडियो के एक और एलिमेंट पर। हमने जब वीडियो को गौर से देखा तो हमें इसमें भाजपा सदस्य शबनम अली दिखी, वो गुलाबी पगड़ी में देखी जा सकती हैं। हमने शबनम अली से संपर्क किया, उन्होंने कहा, एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में मैं ये कह सकती हूं कि जिस समय मैं समारोह में मौजूद थी उस समय पाकिस्तान से संबंधित कोई नारा नहीं लगाया गया था। काजी साहब वहां मौजूद थे, वो करीब 2-3 मिनट तक रुके। काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे, सभा में पुलिस मौजूद थी और किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं सुने। वीडियो में एक मौके पर एक पोस्टर देखा गया जिस पर शबनम अली की तस्वीर थी। शबनम ने हमें उसकी एक अच्छी तस्वीर भेजी। इसमें लोगों को इस्लामिक नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा गया था कि कोविड को ध्यान में रखते हुए इस साल जुलूस को स्थगित कर दिया गया है। शबनम अली ने बताया कि इसी वजह से ताजिया का जुलूस नहीं निकाला गया बल्कि एक ही जगह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शबनम अली ने अपनी एक तस्वीर भी भेजी जिसमें वो कांग्रेस नेता माया राजेश त्रिवेदी के साथ दिख रही हैं। हमें एक वीडियो में शबनम अली, माया राजेश त्रिवेदी, उनके पति पंडित राजेश त्रिवेदी और काजी खलीकुर रहमान दिखे। माया राजेश त्रिवेदी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, मैं इस कार्यक्रम में मौजूद थी, मैंने धार्मिक नारों के बीच काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुने, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए। यानी लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित एक सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए जबकि वहां असल में काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगे थे। वीडियो ऑनलाइन आने के बाद पुलिस ने कम से कम 10 युवकों को गिरफ्तार किया है। 22 अगस्त को द फ्री प्रेस जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अब तक 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें से गिरफ्तार 10 आरोपियों को आज यानी 22 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया। तो एक तरफ जहां भाजपा नेता शबनम अली ने समारोह में भाग लिया और ऑल्ट न्यूज को उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान समर्थक नारे नहीं सुने, वहीं नगर अध्यक्ष विवेक जोशी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने उज्जैन के एसपी से मुलाकात की और पाकिस्तान और तालिबान के नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट के बाद कई लोगों ने इसे शेयर किया, इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। दिग्विजय सिंह को अपनी बातों के लिए काफी विरोध भी झेलना पड़ा। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट से हमें यह भी मालूम पड़ा कि उज्जैन पुलिस ने बताया कि उन्हें 10 मिनट लंबा एक वीडियो मिला जो घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों ने ही बनाया था, उसके आधार पर ही पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। 21 अगस्त को दबंग हिंदू सेना ने उज्जैन के टॉवर चौक पर पाकिस्तान का पुतला जलाया, वहां कुछ भड़कीले और गैर संसदीय नारे भी लगाए गए। दबंग हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पुरी ने पुलिस की मौजूदगी में शिकायत पढ़ी। उन्होंने कहा कि उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन का नाम बदनाम हुआ है। पुरी ने न केवल आरोपियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग की बल्कि ये भी अपील की कि उनके घरों को तोड़ दिया जाए, उन्हें कोई सरकारी सुविधा मिलने से रोका जाए और उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले। उन्होंने बार एसोसिएशन से इन राष्ट्र विरोधियों का प्रतिनिधित्व न करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी वकील के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उनकी ये बात जय श्री राम बोलने के साथ खत्म हुई। ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिसे ऑल्ट न्यूज के साथियों अर्चित मेहता, पूजा चौधरी और मोहम्मद जुबैर ने तैयार किया है। हिंदी में पढ़ने के लिए जाएं altnews.in/hindi पर और अंग्रेजी के पाठक altnews.in पर जाएं। ऑल्ट न्यूज में यूं ही भरोसा बनाए रखें, हमारे आसपास घट रही घटनाओं से जुड़े तथ्य हम ऐसे ही आपके सामने रखते रहेंगे। शुक्रिया।